हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। आपने ये व्रत वाली तो खाई होगी, नमकीन खाई है या नहीं? अगर नहीं खाई तो आज बनाना सीख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पतला वाला साबूदाना। ये कुछ इस तरह का होता है, इतना छोटा होता है। बड़ा वाला भी मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं छोटा वाला यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इसे पानी में भिगो दिया था अप्रॉक्स आधे घंटे के लिए। और मैंने सोयाबीन भी ली है, मैंने छोटी वाली यूज़ करी है। सोयाबीन भी मार्केट में बड़ी और छोटी दोनों अवेलेबल है, पर मैं छोटी यूज़ करती हूँ। मैंने सारी प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन सब ना चॉप करके रख लिए थे। फिर साबूदाने को जब तक भीगा, उसके बाद देखो ये इतना फूल जाता है। पानी इसका अप्रोक्स पूरा ही सूख चुका है जो हमने इसे भिगोने में रखा था। ऐसे ही मैंने इसमें सोयाबीन भिगो दी थी अलग बोल में। देखो कितनी फूल चुकी हैं, फ्लफ़ी हो गई हैं। इसे ना फिर अच्छे से ना धो लेते हैं, जैसे कि जो सारी गंदगी है ना साबूदाने की वो निकल जाए। तो इसे प्रॉपर अच्छे से धोने के बाद ही यूज़ करना, वरना किरकिराहट रह जाती है अंदर। पानी से भी साफ़ कर लेना इस तरह। फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला। उसके बाद इसे थोड़ी देर मैंने गरम होने रख दिया। फिर चेक किया कि मतलब प्रॉपर ये मतलब ठीक से गरम हो गया है नहीं। उसके बाद मैंने इसमें राई डाल दी थी और थोड़ा मैंने इसके साथ इसमें जीरा भी डाला था। मैंने दोनों चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। फिर मेरी राई और जीरा देखो भुनने लगे थे। इसके बाद मैंने इसमें अपना लहसुन डाल दिया और प्याज भी डाल दी। दोनों को मैंने फ्राई किया जब तक हल्की सी ये ब्राउनिश नहीं हो जाती। ज़्यादा नहीं भूनी मैंने, बहुत हल्की सी, लाइक एक मिनट के अप्रॉक्स। जब तक मैंने इसका ना मसाला रेडी कर लिया था, तो मैंने सबसे पहले इसमें मैगी मसाला मिलाया। एक पैकेट था, आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एक ही यूज़ किया, कभी मसाला ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको सॉल्ट की क्वांटिटी नहीं पता हो तो। इसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्च, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने यूज़ किया धनिया पाउडर। देन उसमें मैंने यूज़ किया था हल्दी पाउडर एज वेल, वो भी आप मतलब टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें मसाला ना ऐसे ही बना लेती हूँ, तो थोड़ा ये डिफरेंट है। फिर मैंने इसमें मीट मसाला भी यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है खाने में अगर आप इसे यूज़ करो। इसमें मीट नहीं होता है, बस ये मीट मसाला इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें मसाले थोड़े हार्ड होते हैं। देन मैंने इसमें पानी ऐड करना शुरू किया था, अच्छे से मसाले मिलाने के बाद प्रॉपर मसाले ना घुल जाएँ पानी में। इस तरह मैंने इसमें इतनी क्वान्टिटी रखी थी पानी की। देखो पूरा प्रॉपर ना अच्छे से ये घुलने लगा है पानी इसमें। अब मेरा जो मसाला था वो रेडी हो गया। प्याज भी ऑलमोस्ट भुन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें मिर्च डाल दी और टमाटर डाल दिए। उसको भी मैंने एक मिनट तक उसे फ्राई किया। उसके बाद मैंने जो मेरा मसाला तैयार कर लिया था उसे मैंने उसमें मिक्स कर दिया। यू कैन सी डैट की कितना अच्छा लग रहा है। और जो मसाला ऑलरेडी जो बाउल में थोड़ा चिपका हुआ था, उसमें मैंने पूरी एक कटोरी में पानी भर के वो मसाला भी उसमें डाल दिया। अब ना मसाले को और पानी सब मिक्स हो चुके हैं। ये हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। अब पानी ना थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेना, क्योंकि इसमें बाद में ना साबूदाना भी आएगा, तो वो ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, तो बस उसमें फ्लेवर ठीक से आ जाए, इसीलिए उसे हम इस पानी में डाल देते हैं। देखो पानी ना प्रॉपर बॉयल हो गया है। तो उसके बाद ना मैंने इसमें सोयाबीन डाल दिया है और अब साबूदाना भी जा रहा है प्रॉपर। पानी ना ऑलरेडी प्रॉपर पक चुका है, तो इसको प्रॉपर अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने बाद में एक चम्मच घी भी डाला है, जो बहुत अच्छा टेस्ट देता है खाने में। अब मैं इसे अप्रोक्स रख दूँगी 10 मिनट के लिए, प्रॉपर ये बॉयल हो जाएगा तो फिर इसका पानी सूख जाएगा, तो फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, रेडी टू सर्व। देखो कितनी अच्छी खिचड़ी बन के आई है। आप भी इसे ट्राई करना अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।